बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट में पारी और 12 रन से हरा न्यूजीलैंड बना विजेता। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन मंगलवार को न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को पारी और 12 रनों से हरा दिया। यह मैच बेसिन रिजर्व मैदान पर खेला गया। बारिश के कारण पहले दो दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी गई थी। इसके बाद तीसरे दिन टॉस हुआ और न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 432 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित कर दी। इस दौरान रॉस टेलर ने दोहरा शतक जड़ा और हेनरी निकोल्स ने शतक लगाया। बांग्लादेश की टीम इसके जवाब में पहली पारी 211 रन पर सिमट गई और फिर टीम को फॉलो ऑन खेलना पड़ा। बांग्लादेश ने फॉलो ऑन खेलते हुए अपने कल के स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 80 रनों से आगे खेलना शुरू किया। मोहम्मद मिथुन ने 25 और सौम्य सरकार ने अपनी पारी को 12 रन से आगे बढ़ाया। फॉलो ऑन खेलने के बाद भी मेहमान टीम अपनी दूसरी पारी में 209 रन ही बना सकी। बांग्लादेश के लिए उसकी दूसरी पारी में कप्तान महमूदुल्लाह ने सर्वाधिक 67 रन बनाए। उनके अलावा मिथुन ने 47, शादमान इस्लाम ने 29, सरकार ने 28, मुस्ताफिजुर रहमान ने 16 और मुमीनुल हक ने 10 रनों का योगदान दिया। बाकी बल्लेबाज दोहरे अंकों में भी नहीं पहुंच पाए। न्यूजीलैंड की ओर से विग्नर और बोल्ट के अलावा मैट हेनरी को एक विकेट मिला। न्यूजीलैंड की ओर से नील विग्नर 45-5 और ट्रेंट बोल्ट 52-4 शानदार खेल दिखाया। इस जीत के बाद न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है।